पिछले दिनों जो तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की सामने आई वो सचमुच में सबको डराने वाली है। हालांकि दिल्ली के कई इलाकों से बाढ़ का पानी निकल गया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। यमुना का जलस्तर बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, मौजूदा हाल भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मंगलवार को भी दिन भर यमुना का जलस्तर कभी नीचे तो कभी खतरे के निशान के ऊपर रहा। अब बुधवार को दिल्ली में यमुना का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। बुधवार सुबह 9 बजे यमुना का जलस्तर 205.60 मीटर दर्ज हुआ, वहीं सुबह 8 बजे ये 205.48 मीटर था। दिल्ली में यमुना का खतरे का निशान 205.33 मीटर है। हालांकि केंद्रीय जल आयोग यानी CWDC के बाढ़ निगरानी पोर्टल के मुताबिक बुधवार सुबह 7 बजे तक यमुना के जलस्तर में कमी आने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। वहीं दिल्ली में अभी तक कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। राजघाट भी ऐसे ही क्षेत्रों में से एक है। जलमग्न राजघाट से पानी निकालने का काम तेजी से किया जा रहा है। वहीं मंगलवार को राजघाट के आसपास का जायजा खुद दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने लिया। आपको बता दें कि मंगलवार रात 8 बजे यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आकर 205.30 मीटर दर्ज हुआ था, जिसके बाद प्रशासन के साथ साथ दिल्ली वासियों ने भी राहत की सांस ली थी। दरअसल यमुना के किनारे रहने वाले काफी लोग सुरक्षा के मद्देनजर अभी तक रिलीफ कैंपों में शरण लिए हुए हैं। अब इन लोगों को तभी घर लौटने की सलाह दी जाएगी जब यमुना का जलस्तर नियंत्रण में आ जाए और खतरा टल जाए। लेकिन यमुना नदी का जलस्तर पिछले काफी दिनों से खतरे के निशान के ऊपर ही बह रहा है। दिल्ली में शुरुआत में 8 और 9 जुलाई को बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया था। केवल 2 दिनों में 125% बारिश दर्ज की गई थी, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा समेत कई इलाकों में भारी बारिश के कारण यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया था। बहरहाल और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।